एक तरफ धार्मिक और हिंदुओं की धार्मिक और आध्यात्मिक संस्थाओं को धमकी दे रहे हैं और दूसरी तरफ पिछड़ी जाति के लोगों के अधिकारों को जबरन बंदर बांट करने का काम टीएमसी सरकार ने वेस्ट बंगाल के अंदर सन 2010 में 118 मुस्लिम जातियों को ओबीसी में शामिल करके ओबीसी के आरक्षण पर एक मार्ग प्रकार की सेंधमारी की थी। पिछले 14 वर्षों में लाखों पिछड़ी जाति के लोग इन सुविधाओं से वंचित हुए होंगे। इसके लिए बंगाल की ममता बनर्जी की टीएमसी की सरकार को ओबीसी समुदाय से माफ़ी मांगनी चाहिए, कांग्रेस को इसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। जिन युवाओं के और जिन नागरिकों के अधिकार इन्होंने लेकर के जबरन या कृत्य किया है वह किसी भी स्थिति में वह स्वीकार्य योग्य नहीं है। दूसरा, यह बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की भावना के विपरीत है। वे भारत के संविधान के शिल्पी हैं और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता। ये धर्म के आधार पर आरक्षण देकर के पुनः भारत के विभाजन की आधारशिला तय करने की एक षड्यंत्र का हिस्सा है। माननीय उच्च न्यायालय कोलकाता ने जो निर्णय लिया है अत्यंत सराहनीय है, अभिनंदनीय है। टीएमसी और इंडी गठबंधन, कांग्रेस समेत इंडी गठबंधन के सभी दलों के मुंह पर एक जोरदार तमाचा है। महाराज, क्या लगता है कि पश्चिम बंगाल की सरकार सनातन आस्था को प्रति संवेदनशील नहीं है, जानबूझ के रवैया अपना रही, क्योंकि अभी एक हफ्ते पहले वहां पे जलपाईगुड़ी में रामकृष्ण मिशन के आश्रम पे हमला हुआ, इसके पहले रामनवमी। देखिए, ये देखो ये कांग्रेस या उनके सहयोगी जो भी दल हैं, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, बिहार में RJD, बंगाल में TMC या अन्य जितने भी ऐसे दल हैं, इनकी पूरी राजनीति हिंदू विरोध पर आधारित है। इनके लिए देश की तुलना में सत्ता महत्वपूर्ण है, देश की कीमत पर ये सत्ता चाहते हैं और मुझे लगता है कोई भारतीय इसको स्वीकार नहीं करेगा।